दिल्ली हाईकोर्ट में जो फैसला सुनाया है, उन जो एक लड़की जो चार लड़के ने जो रेप किया है उनको फांसी देने का जो फैसला हुआ है मार्च 20 या 21 तारीख को, उनके बारे में मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। फांसी देने से अगर दुनिया में और कोई इंसान पाप नहीं करेगा और कोई इंसान अगले दिन में कुछ गलत नहीं करेगा, ऐसा तो कुछ नहीं है। जब तक दुनिया जिंदा है कोई ना कोई तो ऐसा गलत फैसला उठा के रहेंगे। सजा देने से इंसान के अंदर जो बदलवा आ जाएगा ऐसा तो कुछ नहीं है। अरे नफरत से नहीं, प्यार से दुनिया को जीता जाता है। घृणा करने से, सजा देने से, फांसी देने से क्या दुनिया सुधर जाएगा? और कोई बंदा ऐसा नहीं करेगा। अरे जब तक दुनिया जिंदा है तब तक कुछ ना कुछ तो ऐसे चलता रहेगा, लेकिन फांसी के बदले और तो कुछ सजा होता है देने के लिए, उनको सुधारने के लिए और भी तो सजा होता है। वो चारों लड़का शैतान है, राक्षस है, चलो मान लिया वो राक्षस है, इसलिए उन्होंने ऐसा बड़ा गुनाह कर दिया है, वो मानता है, वो मानता हूँ वो बड़ा गुनाह है, बड़ा गुनाह है। उन लोग जो जितना बड़ा काम किया ना वो बहुत बड़ा गलत काम कर दिया है, चलो ठीक है, लेकिन क्या उसका मतलब ये है कि उनको फांसी दे देंगे, क्या उनको मार देंगे? और उनका दिमाग नहीं है, उनको उतना बुद्धि नहीं था, उन लोग ऐसा काम कर दिया। जब सरकार ने उनको फांसी देने के लिए तैयार हो रहा है कि सरकार के पास भी दिमाग है या नहीं? सरकार को तो ज्ञान है, जो दुनिया को चलाने के लिए उनको हम बिठाया है, क्या उनके पास इतना ही ज्ञान है? जब इन चारों लड़का ने राक्षस के जैसा काम किया, एक लड़की को रेप करके उनको जान से मार दिए, तो उन चारों को जब मारने के लिए सरकार ने फैसला किया है तो वो भी तो इनके जैसे बराबर दिमाग उनके पास भी है ना, वो तो अलग नहीं हुआ। अरे प्यार से हम बदल सकते हैं, उनको सुधार सकते हैं। जब चारों लड़का मर ही जाएंगे तो वो सुधरेंगे कब? ग्राम स्टेन को जब, ग्राम स्टेन और उनका दो बेटे को जब जिंदा जला दिया है, जिंदा जलाया गया है, तब उनका बीबी को जब सरकार, जब पुलिस ने जाके पूछा है क्या तुम्हारा मन में, तुम्हारे दिल में ऐसा कौन सा विचार आता है, उनको हम क्या करना चाहिए, तब उनका बीबी ने क्या कहा है मालूम है? तब उनका बीबी ने कहा है कि उनको माफ कर दिया जाए, क्योंकि वो जब उनको, जब मेरे पति और मेरे बच्चे को जो काम किया है, जब जिंदा आग में जला कर राख कर दिया है, उनको मालूम नहीं था कि वो सब क्या कर रहा है, इसलिए उनको माफ कर दिया जाए। नॉन को जब रेप करके मार दिया, नॉन को जब मार तो नहीं गया, नॉन को जब रेप हुआ है, वो नॉन ने क्या कहा है मालूम है? वो नॉन ने भी कहा है कि उनको माफ कर दिया जाए। वो है इंसान, वो है इंसानियत का काम। इंसान उनको कहा जाता है जो सजा के बदले माफ कर देते हैं। अरे दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो पाप नहीं किया है, पाप तो सब ने किया है। पाप बिना पाप, पापी का बिना पाप, पाप करते हुए इंसान आज तक दुनिया में है ही नहीं है। सबके अंदर कुछ ना कुछ, छोटा या बड़ा, सब कुछ ना कुछ पाप है ही है, इसलिए उनको अलग भी सजा होता है, चाहे उनको लाइफर किया जाए, आजीवन कारादंड जैसे जीवन भर उनको सजा दिया जाए, वो भी तो है। इसका मतलब ये नहीं कि हम अगर एक इंसान को मार दिया वो इतना बड़ा गुनाह है, जब चार इंसान का मौत होगा तो उनका भी एक हिसाब है। जब हाँ माना है वो गलत है, एक लड़की को रेप करके उनको मार दिया गया जान से, उनका माँ भी आज भी रोता है, लेकिन जब गुनेगार चारों है, चारों का भी एक फैमिली है, चारों का भी माँ है, चारों का भी बाप है, चारों का भी एक परिवार है, एक फैमिली है, उनको भी बीबी है, उनको भी बाल बच्चे है, क्या उनका दिल में क्या खुशी मिलता है? उनको में क्या वो आदमी क्या हंसते हुए दिन बिताता है? वो भी तो रोते हैं, उनको भी ध्यान देना चाहिए। सरकार को दिमाग रख के काम करना चाहिए, ऐसा नहीं कि बस कांटों को हम कांटों से निकाल देंगे, ऐसा नहीं। नफरत से नहीं, प्यार से दुनिया को जीता जाता है। बाइबल में एक वार्ड है कि कोई भी इंसान बिना पापी का नहीं है, दुनिया का हर इंसान पापी है।
एक पाप करते हुए पकड़े गए औरत ने उनको सब पथरावा मार के मार देने के लिए फैसला किया, उनको पीछे भगा भगा के भगा रहे थे। तब उन औरत ने यीशु के पास आकर उनके पैरों के नीचे गिर पड़ी। तब यीशु ने कहा, हे नारी तुमको क्या हुआ है? तब उन नारी ने कहा, मैंने ऐसा ऐसा गलत काम किया है, उसके हिसाब से मुझे मारने के लिए सब मेरे ऊपर पत्थर उठा रहा है। तब यीशु ने उनको कहा है, तुम्हारे बीच में जो निष्पाप है, जो कभी पाप नहीं किया है, वो आदमी पहले इनके ऊपर पत्थरवा करे। तब एक से लेकर छोटे से लेकर बड़ा आदमी सब वहां से भाग गए। तब यीशु ने बोला उन औरत को कि हे औरत, क्या तुम्हारे ऊपर पत्थर मारने के लिए और कोई इंसान नहीं? तब औरत ने कहा, नहीं प्रभु, आपके सिवा यहाँ और कोई नहीं। तब यीशु ने कहा, मैं भी तुम्हें माफ कर देता हूँ, आज के बाद और काफी पाप ना करो। ये करते हुए छोड़ दिया। यही है, एक इंसान का दिल ऐसा होना चाहिए। और अब ये बात आपको सही लगे तो इसके ऊपर आप थोड़े विचार कीजिए। मेरे प्यारे सरकार, जय हिंद जय भारत।